Samson, it is एयरप्लेन मोड नहीं हटता। हाफ एयरप्लेन मोड आता है ना, तो ये आता है और ना ही ये हटता है। अक्सर सेट गिर जाने फूट जाने के बाद अपन जो कॉम्बो डालते हैं अक्सर ये सेट में प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक करने के लिए ये सेट फिजिकल डैमेज है, इसका पीसीबी बोर्ड चेक करेंगे। ये चार्जिंग कनेक्टर के बगल में एक ये छोटी सी आईसी लगी हुई है। यहाँ पर देखो ये पार्ट्स वगैरह निकल गया है इसका। ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। इसको चेक करेंगे दोनों पॉइंटों पे, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। दोनों पॉइंट शॉर्ट बता रहे हैं, इसमें कहीं शॉर्टिंग है कि शॉर्टिंग को देखना पड़ेगा। इसको ग्लू लगा हुआ है, इसको साफ करेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट्स वगैरह खराब है या टूटा हुआ है या कोई पार्ट शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। इसको साफ करके देखेंगे। ग्लू लगे होने के वजह से भी पार्ट्स हट जाते हैं अपनी जगह से, डिसोल्ड हो जाता है, तो भी अपन को पता नहीं पड़ता या दिखता नहीं है। अच्छे से इसको क्लीन कर लें। यहाँ ये एक पार्ट्स डैमेज दिख रहा है, ये साफ करके देखते हैं इसको। अच्छे से ग्लू साफ करने इसकी। ये एक पार्ट्स निकल गया है, इसको वहीं पर लगाएंगे दोबारा। और देखते हैं कोई पार्ट्स निकला तो नहीं है या टूटा नहीं होना चाहिए। ये पार्ट्स टूटा हुआ है, बीच में से ये पार्ट टूट गया है। ये कॉइल लगी हुई है, कॉइल टूट गई है, इस वजह से इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। इसको आपस में कॉइल के दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर दें। ये दोनों पार्ट शॉर्ट कर दिए हैं कॉइल के। इसके बाद हल्का सा पेस्ट डाल के हल्का सा हीट करें कि कोई पार्ट्स भी लूज हो या सही नहीं लगा हो तो अपनी जगह पे सही बैठ जाए।
हल्का सा 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब चेक करते हैं अपन, काम बना या नहीं बना। एयरप्लेन मोड चला गया, काम अपना ओके हो गया है, सेट बन गया है। और अब देखते हैं इसके नेटवर्क वगैरह आ रही है या नहीं, और ये अपना काम कर रहा है। एयरप्लेन मोड ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, और ये सिम भी आ गई है, दोनों समय पे नेटवर्क भी आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।